देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूक्रेन में फंसे छात्रों को मिशन गंगा के तहत रेस्क्यू किया जा रहा है। एटा दो छात्र पहुंचे हैं और परिजनों में खुशी की लहर है। यूक्रेन से स्वदेश वापसी कर अपने घर पहुंचे छात्रों के चेहरे पर अभी भी दहशत छाई है। रूस की तरफ से यूक्रेन पर हो रही बर्फबारी के बीच फंसे छात्रों ने एक प्लेट में पांच पांच लोगों ने खाना खाया। डरे और सहमे छात्रों ने यूक्रेन से वतन वापसी पर वहां फंसे अन्य छात्रों को भी जल्द स्वदेश लाने की सरकार से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि कीव और खारकीव में मौत के साए में भारतीय छात्र रह रहे थे। आपको बता दें कि हमारे संवाददाता को आप बीती सुनाते हुए अभिषेक और रविराज ने बताया कि रूस के द्वारा यूक्रेन की घेराबंदी किए जाने के बाद उन्हें खाने पीने की बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी। एक एक प्लेट में पांच पांच छात्र खाना खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। आसमान में उड़ रही एयरक्राफ्ट की आवाजों से उनके दिल में दहशत फैल जाती थी। लगता था कि जैसे आप कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। यूक्रेन में अभी भी बड़ी मात्रा में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। घर वापस लौटे रविदास और अभिषेक ने भारतीय सरकार से गुहार लगाते हुए कहा कि अभी भी उनके कई दोस्त यूक्रेन में फंसे हैं, उनके पास खाने पीने का सामान नहीं है, उनकी जल्द से जल्द मदद की जाए। साथ ही साथ यूक्रेन से घर वापस आए छात्रों के घर आने पर उनके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। रविदास और अभिषेक के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए यहां पर भारत सरकार से मांग की है कि अभी जो भी बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। माय नेम अभिषेक लोधी। अभिषेक, रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ उसके दौरान फंसे रहे, तो पूरा क्या अनुभव था, किस प्रकार का वहां पे माहौल था, किस प्रकार वहां सर्वाइव कर रहे थे? यूक्रेन का माहौल बहुत डेंजरस है और हम लोग दहशत में थे, सहमे हुए थे और खाने पीने से लेकर रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम थी। और वहाँ ऐसा लग रहा था कि हम लोग अब यहाँ पर सेफ हैं कि नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। किस प्रकार से हुआ, आपको कैसे यहाँ आपका संपर्क घर पे हुआ, या किस प्रकार आप संपर्क में थे या नहीं थे, या किस प्रकार आप यहाँ पर आ पाए, क्या जर्नी रही आपकी? हमारी जर्नी यूक्रेन से जो हमारे स्टेट था उजरोड सिटी, उससे मतलब जोहानी बॉर्डर इंटरलिंक था, मतलब पास पड़ता, तो उसके थ्रू हम लोग मतलब हंगरी गए, वहाँ से बुदापेस्ट एयरलाइन से इंडिया लाया गया हमको। यूनिवर्सिटी से वहाँ बॉर्डर तक कैसे गए, यूनिवर्सिटी से बॉर्डर तक हमको बस से ले जाया गया और उससे फिर वहाँ से इंडियन एम्बेसी ने हमको रिसीव किया, फिर उससे बुदापेस्ट पहुँचे, बुदापेस्ट से इंडिया के लिए एयरलाइन लाई। जिस प्रकार से बम्बार्ड और एयरक्राफ्ट उड़ रहे थे यार, तो उसका तो कैसा आपको फील कर रहा था, क्या जिस जिस प्रकार से बमबारी हो रही थी, इतना डर लग रहा था, कुछ बहुत ही ज़्यादा सहमे हुए थे, हमारी फैमिली भी सहमी हुई थी और हम भी पैनिक थे बहुत ही ज़्यादा, और मतलब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, ये नहीं लग रहा था जा पाएंगे वापस कि नहीं जा पाएंगे, बहुत ही कंडीशन डेंजरस थी। खाने पीने की वहाँ समस्या बहुत थी और एक प्लेट में पांच पांच लोग खा रहे हैं और खाना मिल भी रहा है नहीं भी मिल रहा है, कुछ इस तरह सिचुएशन थी। परिवार से हमारा संपर्क 25 को हुआ, 25 को निकले थे, 26 को यहाँ पर आ गए थे। अभी और भी लोग हैं जो लोग इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी भी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, वो भी फंसे हुए, खाने से लेके बहुत प्रॉब्लम है, बंकरों में रह रहे हैं, उनके भी मतलब फैमिली वाले बहुत पहने के सिचुएशन बहुत ख़राब है और वो भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए सहमे हुए हैं। क्या नाम है? रविराज यादव। रवि, यूक्रेन पे जैसे रूस ने जिस प्रकार से हमला किया, अब कल वापस आए हैं, सबसे पहले मैं भारत के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आदरणीय हरनाथ सिंह बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने
बहुत हद तक हम लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट करने में मदद की। हालात वहाँ के कई स्टेट के बहुत गंभीर हैं, हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको ठीक से खाना पानी भी नहीं मिल पा रहा है। बाकी हम मैं जो था वो वेस्टर्न पार्ट में था यूक्रेन के, वो इलाका बहुत सेफ है, मुझे वहाँ ऐसी कोई दिक्कत खास नहीं हुई है। मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्टर डॉक्टर अमरीक सिंह वो पूरे स्टूडेंट को निकालने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट लगभग वहाँ से मेरे कॉलेज के निकल चुके हैं और यूक्रेन में 18,000 स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें से बहुत कम निकल पाए हैं। तो मैं भारत सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इसको गति दी जाए, तेज़ी से इस काम को किया जाए जिससे कि बच्चे अपने घर सुरक्षित पहुँच सकें। जो दोस्त लोग आपके साथ हैं वो किस प्रकार की कंडीशन सर्वाइव कर रहे हैं? कुछ दोस्त मेरे ही जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ है उससे एक दिन पहले कीव के लिए निकले थे फ्लाइट के लिए, उनकी फ़्लाइट थी इंडिया की, और वो लोग वहीं फंस गए क्योंकि कर्फ्यू लग गया अचानक से। तो वहाँ पर वो बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे थे क्योंकि खाना पानी नहीं मिल पा रहा था और एम्बेसीज भी ठीक से व्यवस्था उस टाइम पर नहीं कर पा रही थी, ये एकदम सडनली हो गया था। बट अभी धीरे धीरे सबको निकाल रहे हैं। छठे चरण चुनाव प्रचार को लेकर बलिया जनपद के सिकंदरपुर विधानसभा में चेतन किशोर मैदान में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। सिकंदरपुर विधानसभा में आयोजित भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में क्षेत्र के चेतन किशोर के मैदान में चुनावी जनसभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि IMIMI के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा रहे। निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे देर से पहुंचे ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सपा बसपा और भाजपा के पैरों की फुटबॉल नहीं बनना, बल्कि हमें समान अधिकार को प्राप्त करना है। इसके लिए जरूरी है कि बाबू सिंह कुशवाहा और असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को आप मजबूत करें। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने झूठ बोलकर सत्ता हासिल किया है। बीजेपी कहती है कि हम फ्री में राशन देते हैं, लेकिन 1,000 का गैस सिलेंडर भी भरने के लिए मोदी जी ने दिया है। अब तो 7 सालों के बाद मोदी जी को शान का मसला नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थिति और भी भयावह है। किसानों ने जब बाबा से मिलकर अपनी समस्याओं को कहा तो बाबा ने कहा कि ज्यादा बोलेंगे तो ठोक देंगे, दिन में अपने खेतों में काम करो, रात में जाकर शान हाको। उन्होंने अपील की कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत सभी विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें आप भारी मतों से विजय बनाए। इसके प्रधानमंत्री को सांड का मसला नजर आया। 7 साल तक मोदी जी चाय पीकर सो रहे थे दिल्ली में, अब अचानक उनको ख्याल आया कि सांड किसानों की फसल को खा रहा है। जब किसान जाकर बाबा से मिले तो बाबा ने कहा, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो, हमने तुमको 2 रोजगार दे दिए। किसान ने कहा, मुख्यमंत्री जी आपने कहां दिए, तो बाबा ने कहा, ज्यादा बोलोगे तो ठोक देंगे। किसान ने पूछा कि ठीक है ठोक दीजिए, मगर ये सांड का क्या है, हमको 2 रोजगार कहां दिए। तो मुख्यमंत्री ने कहा, दिन में तुम अपने खेत में काम करो, रात में जाकर अपनी फसल की हिफाजत करो, ये हमने तुमको रोजगार दे दिया। अब हम आपसे अपील कर रहे हैं कि जिन्होंने रोजगार के नाम पर आपको धोखा दिया, जिन्होंने महंगाई कम करने के नाम पर गरीबी आपका मुकद्दर बना दिया, आपके मासूम बच्चे और बच्चियों को शिक्षा का इंतजाम नहीं किया, वो अब आपके वोट के हकदार नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले बाबू सिंह कुशवाहा का साथ। लखीमपुर खीरी महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा टेढ़े नाथ धाम में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव के दर्शन कर पूजा यज्ञ इत्यादि कर पूजा अर्चना की। पुलिस प्रशासन के द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। महाभारत कालीन बाबा टेढ़े नाथ धाम में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। कन्नौज में शिवरात्रि के अवसर पर शहर में भगवान शिव की बारात निकली। बारात में झूमते हुए भक्त दिखे। बारात में झांकी का भी प्रदर्शन हुआ। कन्नौज शहर में भगवान शंकर की बारात निकली। कन्नौज में शिवरात्रि के अवसर पर शहर में भगवान शिव की बारात निकली। बारात में झूमते हुए भक्त दिखे। बारात में झांकी का भी प्रदर्शन हुआ। कन्नौज शहर में भगवान शंकर की बारात। सरकार बेहतर स्वास्थ्य सेवा की बात करती है, लेकिन ये केवल हवा हवाई दिख रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी से एक मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया।
नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लेटाया गया। सर्दियों में ऑपरेशन के बाद महिलाओं को फर्श पर लेटाया गया है। कोविड गाइडलाइन को भी यहां पर दरकिनार किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिना मास्क के ही अस्पताल में तीमारदार घूमते हुए नजर आया। अस्पताल के फर्श पर लेटी महिलाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिले की निघासन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में आईआरएस सोसाइटी में सुबह 10 बजे से कोठी नंबर 30 में आईटी की टीम छापेमारी करने में जुटी हुई। आपको बता दें कि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला लखनऊ के गोमती नगर रिवर फ्रंट का बताया जा रहा है। पिछले 3 घंटे से मौजूद पत्रकारों की टीम आयकर विभाग के अधिकारियों से बात करने के लिए मौजूद है, लेकिन अभी तक अंदर से किसी भी आला अधिकारी से कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। आला अधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं। बिल्डिंग के सारे गेट बंद हैं। पहले 2 पुलिस के सिपाही गेट के पर बैठे हुए थे, पर मीडिया आई है ऐसा पता चला है कि वो टीम बिल्डिंग के अंदर चली गई है, अंदर के गेट बंद कर लिए गए हैं। ये छापेमारी किस बात को लेकर हो रही है अभी तक इसका कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला है। पहले भी ऐसी छापेमारी हो चुकी है। परमजीत पाठक का निवास बंगला नंबर 30 जिनका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार परमजीत पाठक बिल्डर बताए जा रहे हैं, जो कि बलिया जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कुछ दिन पहले ये विदेश यात्रा करके आए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सोसाइटी में एक बार पहले भी रेड पड़ चुकी है। अगर इस बिल्डिंग के मालिक की इनसे पूछताछ के लिए काफी लंबे समय से दोनों टीमें लगी हुई हैं, आज मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाने में लगी हुई हैं। बाद इंदिरापुरम की ये आईआरएस सोसाइटी है, ये सामने बिल्डिंग नंबर 30 है जिसपे पाठक निवास लिखा है। आज यहाँ सुबह 9-10 बजे से ही आईटी की टीम की छापेमारी हो रही है। पूरी प्रवर्तन दल, उनके टीम, उनके लोग इस बिल्डिंग के अंदर हैं। किसी भी आला अधिकारी से इस मामले में अभी कोई बातचीत नहीं हुई है कि पूरा मामला क्या है। सूत्रों की माने तो बताया जा रहा है कि लखनऊ का रिवर फ्रंट मामला है जिसकी जांच आईटी टीम कर रही है। एक टीम पहले भी यहां पर इस सोसाइटी में इसी मैटर से संबंधित छापेमारी हो चुकी है। अभी यहां पर ये गेट देखिए, ये मेन गेट है। यहां पर उस समय 2 पुलिस वाले भी बैठे थे, लेकिन जब इनको अंदर की टीम को ये लगा कि मीडिया के लोग यहां पर आ चुके हैं तो सारी टीम अंदर चली गई है। जो पुलिस बल बाहर बैठा था वो अंदर जा चुका है। अभी भी किसी भी अधिकारी से कोई बातचीत नहीं हुई है। वो बात करें तो यहाँ पर 9 या 10 बजे से टीम लगातार छापामारी करने में लगी हुई है। अभी यहाँ पर डोमिनोज के कुछ लोग आए थे, जो कि एक फूड सप्लाई कंपनी होती है। डोमिनोज से यहाँ लोग आए हुए थे। लखीमपुर खीरी जिले में गोला की ओर से शाजापुर जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से आनन फानन में यात्रियों को निकलवाकर सीएचसी भेजा। बताया जा रहा है कि बुधवार की अलसुबह रोडवेज बस में लगभग 40 यात्रियों को भरकर गोला की ओर शाजापुर जा रही थी। रास्ते में मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे के पास एक डीसीएम को साइड देने के चक्कर में बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इसी के कारण चीख पुकार मच गई। आपको बता दें कि बस सड़क किनारे ही 10 फीट गहरी खाई में जा गिरी। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने यहां पर बस सवार यात्रियों को बमुश्किल बाहर निकाला, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस की सहायता से बस में सवार लगभग 25 घायल यात्रियों को मोहम्मदी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने 10 यात्रियों की हालत गंभीर देखते हुए उनको जिला अस्पताल शाहजहांपुर और लखीमपुर रेफर कर दिया। वहीं बस में सवार यात्री शाहजहांपुर गोला हरियाणा व मोहम्मदी के बरबर के निवासी बताए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप। दिलीप कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोला के। कैसे हादसा हुआ? गाड़ी तेज थी, क्या हुआ था? आपने बहुत चिल्लाती हमारी, वो एकदम बहुत तेज आ रहा था स्पीड में, डीसीएम वाला एकदम दहीने काट दिया। अच्छा, बच गए। अगर गाड़ी काटते नहीं तो हम खुद समेट जाते उसकी। डीसीएम वाला सामने आ रहा था? डीसीएम वाले ने मारा है। गाड़ी में लगभग कितने परिचालक थे? गाड़ी में कितने लोग थे? लगभग लमसम होंगे करीब 40 लोग थे। चलिए ठीक। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के गांव नोरा में कुआं में घुसकर ईंटें निकालने गई युवती दब गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीणों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद युवती को बाहर निकाल लिया, लेकिन युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। पूरा मामला जनपद बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र का है, जहां पर नोना गांव के रहने वाली एक किसान की बेटी कुएं में ईंट निकालने के लिए घुसी थी,
जब वो कुएं से ईंटें निकाल रही थी तभी भरभराकर कुएं की ईंट और मिट्टी युवती के ऊपर गिर गए, जिससे युवती नीचे गिर गए। वहीं इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली। आनन फानन में ग्रामीणों ने प्रशासन को इस घटना के बारे में जानकारी दी, लेकिन प्रशासन काफी देर तक घटनास्थल पर नहीं पहुंचा, तो ग्रामीणों ने देर न करते हुए कुएं के आसपास खुदाई शुरू कर दी और घंटों ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवती को बाहर निकाल लिया है। युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है, उसे अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।